हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। वैशाली महुआ प्रखंड के अंतर्गत शेरपुर मानिकपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी कमल चौधरी ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो मैं अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। वहीं मुख्य प्रत्याशी के समर्थकों ने बताया कि अगर कमल चौधरी पंचायत के मुखिया बनते हैं तो पूरी पंचायत में विकास की गंगा बहेगी। क्या चाहते हैं आप? अच्छा मुखिया चाहते हैं, जो प्रतिनिधि अच्छा मुखिया बन करके गांव के विकास के काम करे। क्या नाम है आपका? शंभुराम। कहाँ घर हुआ? परमानंदपुर। नौजवान है, क्या लगता है इस बार मुखिया कैसा बनना चाहिए? कि हमारे मंगल बाबा है मुखिया जी, बहुत कमल चौधरी जी हैं मुखिया जी, बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए इन्हीं को चुना जा रहा है। आपको लग रहा है कि आप कमल चौधरी जी को जीते? हाँ, जीत जाएंगे। कमल चौधरी क्यों, दूसरा क्यों नहीं, क्या कारण है? इसलिए है कि वो बनिया से काम देखने नहीं आते, वो अपने ही पंचायत में अपना काम कराते हैं। पंचायत ये भी है ना? हाँ ये भी है, लेकिन इधर नहीं आते। क्या नाम है आपका? मेरा दसवीं साल। चाहिए आपको? हमारा कमल चौधरी जी जैसा मुखिया चाहिए। कहा है कमल चौधरी जैसा चाहिए, क्या कहा? जे इन्होंने गरीबों को इज्जत दिए, कदर किए, और हमारे पंचायत में और परमानंदपुर गाँव में एक स्कूल लाए, जो हमारा बाल बच्चा छोटा छोटा बाल बच्चा इस स्कूल में अपनी। आप चुनाव मैदान में हैं, एक बार मुखिया भी रह चुके हैं और फिर इस बार मैदान में हैं, जनता आपको वोट क्यों देगी? काम हमने 5 साल में किए हैं, उसके बाद फिर आगे जनता अगर चाहेंगे, जनता मालिक है, वो हमको फिर आगे मौका देंगे तो फिर मैं काम करके दिखलाएंगे जनता को। 5 साल फिर चुनाव हारने के बाद आप 5 साल कहाँ थे, क्या कर रहे थे? पंचायत में ही थे, हर जनता के बीच में थे, दुख सुख में थे। क्या आपको लगता है कि जनता आशीर्वाद देगी? बस बिल्कुल मेरा क्लियर है इस बार। आखिर आप चुनाव जीत के आइएगा तो क्या कीजिएगा खास लोगों के लिए? खास लोगों जो काम, जो भी कमी पंचायत के अंदर का है, जो ये 5 साल में नहीं हुआ है, वो करके हम दिखलाएंगे।